उत्तराखंड में पलायन क्यों हो रहा है, इसकी कई वजह है। उन वजहों में एक वजह बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं। वैसे तो यहाँ एक से बढ़कर एक दुश्वारियां हैं, एक से बढ़कर एक कठिनाइयां हैं। कह सकते हैं ये मुश्किलें पहाड़ की चोटी जैसी हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर में स्वास्थ्य सेवाओं की दास्ता को बयां करती हैं। जब स्वास्थ्य सेवा ना मिलने के बाद मजबूर होकर कुदरती कहर से खस्ता हाल मोटर मार्ग से एक बीमार बुजुर्ग महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा है। गांव के लोगों को कुर्सी पर लादकर 12 किलोमीटर दूर गाड़ी पकड़ के ले जाना पड़ा। ये महिला चौथाना के देवराड़ी की रहने वाली है। भागुली देवी की अचानक से तबीयत बिगड़ने से उनको कंधे पर लादकर इलाज के लिए 45 किलोमीटर दूर चखुटिया ले जाना पड़ा। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली बुजुर्ग महिला भागुली देवी के घर पर बेटा पहले से 6 सालों से बीमार चल रहा है और छोटा बेटा दिल्ली में छोटी मोटी नौकरी करता है। एक विकसित समाज के लिए सबसे अहम चीज़ है जहां आप रहते हैं बुनियादी सुविधाएं आपके लिए हो। पानी, अस्पताल, स्कूल और सड़कें, ये ऐसी सुविधाएं हैं जिनके रहने पर समाज विकास की राह पे चलता है। और जब ये ना हो तो पलायन जैसी रास्तों को लोग मजबूरी वश अपना लेते हैं। ऐसा नहीं है ये सिर्फ भागुली देवी की दास्ता है, बल्कि उत्तराखंड अमूमन हर परिवार को ऐसी कठिनाइयों से दो चार होना पड़ता है।